जलता हुआ घर, रोती हुई बूढ़ी बुजुर्ग महिला, बहुरियन गिर बेइज्जती कह के मारी नहीं, आंख से टपकते आंसू और कहीं की ऐसे कहीं की सब सबको सबको अपन अपन जान छुड़ाए गए हैं, भागे नहीं तब जाकर बच्चा सबका बहुत अधिक मारे ने देखा। दबंगों की दबंगई से मजबूर बेबस ये गरीब परिवार, इसकी कोई सुनने वाला नहीं। और कई लड़का गिरा गिरा सब लोग मारे और घर में आग लगाए दिन का, इनकी ऐसा है कि अगर ये सब कोई भाग नहीं रहे तो नाने नाने बच्चन छोड़ दे तो हम मर जाए। तो साहब हमारे परिवार का बहुत मारी ने, मुकेश सिंह, रंजीत सिंह, छोटू, दीपक और ज्योति और शकुंतला और कभी सविता इनकी बिटिया बहुत मारी ने गिरा गिरा और बताने काबिल नहीं कि जितना से हमारी बहुरियन गिर बेइज्जती कह के मारी नहीं। सीतापुर के रामपुर कला का मामला है जहां पुरानी जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, मारपीट भी हुई, चोटें भी आईं, विवाद ऐसा कि जान लेने पर आमदा हो गए। आरोप है कि घर तक जला दिया गया, पुलिस में भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामपुर कला के लौना ग्राम पंचायत का, जहां पर दबंगों द्वारा कल शाम को पीड़ित का घर जला दिया गया, उसमें पीड़ित के छप्पर और मोटरसाइकिल वगैरह जल गई। पीड़ित के पूरे परिवार को मारा पीटा भी गया। पीड़ित कल शाम को थाना रामपुर कला जब पहुंचा, उसने लिखित प्रार्थना पत्र SHO को दिया लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पाई है। महज कार्रवाई के नाम पे SHO के द्वारा लीपापोती की जा रही है और पीड़ित कार्रवाई के लिए दर बदर भटक रहा है। दबंग इतना ज़्यादा दबंगई पर आमादा है कि उसको गाँव में रहना मुश्किल किए हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। स्टार न्यूज़ रामपुर कला, जितेंद्र मिश्रा।